हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, इजी मैथ के यूट्यूब चैनल में पुनः एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था कि आज स्थानीय भर्ती के संबंध में 6 मार्च 2020 को सुनवाई था, इससे पहले 2 मार्च को सुनवाई हो चुका है, उससे पहले फरवरी में ही सुनवाई हो चुका है, लेकिन अंतिम फैसला आज नहीं आ पाया और 13 मार्च को अगला सुनवाई होगा, ऐसा कोर्ट ने डेट डिक्लेयर कर दिया है, जिसकी अभी मैं आपको ऑफिशियली जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूं आपको। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, आज देखिए हियरिंग डेट था, ठीक है, और नेक्स्ट हियरिंग डेट आपका 13 मार्च 2020 एक्सटेंड कर दिया गया है। ओके, तो जो भी होगा अभी आप बात करते हैं थोड़ा। तो अब देखना ये है कि नेक्स्ट जो हियरिंग होगा 13 मार्च को, अब उस डेट पर इसका अंतिम फैसला आता है या फिर डेट एक्सटेंड हो जाता है। तो अभी कोर्ट का कोई अंतिम फैसला नहीं है, लेकिन अभी नियुक्ति नहीं हो सकता है, कोर्ट ने इसको बाधित किया है, जब तक इसका अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा नियुक्ति नहीं हो सकता है, और किसी तरह का आज कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, मैं पुनः दोहराता हूँ। ओके, तो जब भी हियरिंग डेट होता है लोगों में एक माहौल बना रहता है कि फैसले को लेकर, लेकिन आज नहीं हो पाया, तो इस तरह जो भी अपडेट मुझे जैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। और सूत्रों से खबर मिली है कि कोर्ट में जो है आज सरकार की तरफ से अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है, ठीक है, और नेक्स्ट जो 2 मार्च हुआ था उसमें सरकार के जवाब से जवाब मांगा गया था कि स्थानीय भर्ती क्यों नहीं हो रही है, और आज जो है सरकार के जवाब तरफ से जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, अच्छा होगा, अच्छे सोच के चलिए, जो भी होगा सरकार संवैधानिक फैसला लेगा और उसका सम्मान करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी जारी रखें। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।